तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहे। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो को। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल उपदेशों के बारे में। श्रीमद् भागवत गीता के पास आपकी हर प्रश्न का उत्तर है, चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो। श्रीमद् भागवत गीता आपकी हर प्रश्न का उत्तर देती हैं, आपकी हर समस्या का हल देती हैं। चाहे वो परेशानी आपके मन की हो, यह धन की हो, या शरीर की हो, या आपके रिश्ते की हो, दोस्तों आपकी हर समस्या का हल श्रीमद् भागवत गीता में ज़रूर मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से गाया गया गीत है, जो अनमोल है, जो सबकी अज्ञानता को दूर करती है और ज्ञान लाती है, जिसके मदद से सभी अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो और अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जब आप सब कुछ चुपचाप सहते रहते हो तो सामने वाले को बल मिलने लगता है, वह आपको कमजोर समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके द्वारा किए गए अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। रिश्ते हमें दुख नहीं देते हैं, पर उनके प्रति हमारा मोह हमें दुख देता है। आज से ही अपने मोह को छोड़कर प्रेम का सबक पक्का करें। मोह अपेक्षाओं से जुड़ा है, जबकि प्रेम केवल देना जानता है। मोह एक दो के लिए होता है जिन्हें हम अपना मानते हैं, प्रेम सबके लिए होता है। मोह से कमजोरी पैदा होती है, इसके विपरीत प्रेम से ताकत महसूस होती है। मोह में इंसान एक दूसरे को बांधने की कोशिश करता है, जबकि प्रेम एक दूसरे को फ्रीडम देता है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। परमात्मा की प्रकृति में इंसाफ अवश्य होता है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म आपको मुश्किल वक्त में परेशानी से बचाते हैं, इसी तरह आपके द्वारा किए गए गलत कर्म की सजा भी आपको जरूर मिलती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया है कि क्षत्रिय होने के नाते जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, वही काम कर। दुनिया के लोग ज्ञान और अज्ञान दोनों से चलते हैं, इसलिए तू दुनिया का अनुसरण ना कर, बल्कि सत का अनुकरण कर। तेरा धर्म, तेरा कर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर और धर्म की रक्षा कर। ऐसे ही हर इंसान का अलग अलग कर्तव्य होता है। हम कभी भी कुछ भी इसलिए ना करें कि सब लोग यही करते हैं। अगर आप भी वही करोगे जो सारी भीड़ कर रही है, तो आप उस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप विचार करके वो काम करोगे जो आपके लिए सही है, जिसकी आप में प्रतिभा है, तो सारी भीड़ में भी आप अलग नजर आओगे। इस बात का हम सदा विश्वास रखें कि जो चीज हमारी है, वह कहीं ना कहीं से हमारे पास अवश्य पहुंच जाएगी। और जिंदगी में जो कुछ भी आपको हासिल नहीं हुआ है, उसका पछतावा करना और उसके लिए रोना छोड़ दें। प्रयास करना मनुष्य के हाथ में है, पर उसका फल उसके हाथ में नहीं है। हम जीवन में किसी की मदद करें या ना करें, पर किसी का भी दिल हमारी वजह से ना दुखे, यह बात हमेशा हमें याद रहे। अगर हम किसी का भी दिल दुखाएंगे तो हमें भी उसका दर्द अवश्य मिलेगा। जब हमारी वजह से किसी का दिल दुखता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हमारा दिल दुखता है तो हमें समझ में आता है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है उसमें भी कोई भलाई अवश्य है, और जो होगा उसमें दृढ़ विश्वास रखें ही अच्छा ही होगा। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमारे अंदर ये ख्याल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तब हमें एहसास होता है, अगर हमारे साथ यह सब नहीं हुआ होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। मनुष्य को किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, ना किसी से अति का राग, ना किसी से अति का वैर। हद से ज्यादा आराम आपको आलसी बना सकता है, और हद से ज्यादा खाना आपको बीमार कर सकता है। बहुत ज्यादा भूखा रहना भी खराब है। पूरी नींद, पूरा विश्राम, पूरा भोजन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जीवन को सदा संतुलन के साथ जीना चाहिए। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाएं, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। अर्जुन धर्म युद्ध लड़ रहे थे, भगवान कृष्ण उनके साथ थे और उनकी जीत निश्चित थी। महाभारत के युद्ध में यह उदाहरण स्पष्ट नजर आता है। मनुष्य को सदा धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए।
अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि सामने उसके पितामह और गुरुजन थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया कि यहाँ पर बात तेरे अधिकारों की है। भरी सभा में द्रौपदी के साथ किया गया अपमान, पांडवों के साथ हुआ अधर्म सहने योग्य बात नहीं है। जैसे हमें गलत करना नहीं चाहिए, ऐसे ही गलत सहना भी बड़ा पाप है, फिर चाहे वह अपना ही क्यों ना हो। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता से मिलने वाली इन सीखों का मनन चिंतन करेगा, इनके महत्व को समझेगा, वो जिंदगी की हर परिस्थिति को स्थिरता के साथ पार कर पाएगा। जीवन में आने वाले मुश्किल समय में भी उसे रास्ता अवश्य मिलेगा। जब समय विपरीत हो तब शांत रहना ही सही होता है। अशांति तभी आती है जब सब कुछ आपकी इच्छानुसार नहीं होता है अथवा कुछ भी आपके हिसाब से नहीं होता है। शांत रहने के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना होगा, अच्छे से समझना होगा कि सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा। और इसके अलावा किसी से भी कोई उम्मीद न रखें। जब हम किसी से कोई उम्मीद करते हैं और वह पूरी नहीं होती तब दुख होता है और सोच सोच कर मन अशांत रहने लगता है, और जब मन अशांत रहता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता और व्यक्ति शक्तिहीन सा महसूस करने लगता है। इसके अलावा इस बात से बहुत दूर रहें कि कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। कोई भी व्यक्ति जितना बता दे उतना ही सुन लें, उसके आगे कुरेदने की आवश्यकता नहीं है। अपने धर्म के अनुसार अपने प्रभु से मन लगाएं, प्रभु में विश्वास रखें, जो कुछ सुलभ है उसी में खुश रहना सीखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। आप जितना प्रकृति के नज़दीक होंगे उतना ही आप खुद में शांति की अनुभूति करेंगे। आप किसी नदी, किसी पर्वत पर भी जा सकते हैं, आप ध्यान द्वारा भी शांति प्राप्त कर सकते हैं। मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल ज़रूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो कांव कांव की आवाज़ ना करे, या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊँची छलांग ना मारे। हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव कांव करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियाँ होती हैं। हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते, यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। ये मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी खोज लेगा। माधव कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते हो। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वह कणकण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है।
किसी जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा हैं, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है या मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, ये इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचे हमारे कर्म हैं। कभी कभी लगता है कि अच्छे कार्य करते रहने से उसका फल अच्छा नहीं मिलता और भगवान सारे दुख हमारी ही झोली में डाल देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी जब पुण्य कार्य करें तो उसको ईश्वर पर समर्पित कर दें और मन में किसी भी तरह का भाव ना रखें। इस संसार में सब कुछ अंतवंत है। पाप और पुण्य दोनों इस संसार से संबंधित हैं, इसलिए पाप और पुण्य भी अंतवंत हैं। पुण्य सुख देकर और पाप दुख देकर अंत को प्राप्त होता है। और दोस्तों, यहाँ पे हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा है, तो जरूर एक लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।